सीए को लेके ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि इसको जल्दी सरकार लागू करेगी। इसको लेके हम लोगों ने अभ्रिहत तैयारियां की थी पहले से, और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था, और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीएए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं, एक इनेबलिंग प्रोविज़न है जिससे कि किसी को नागरिकता दी जाएगी, और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पड़ोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होकर यहाँ आए हैं, उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है। सभी धार्मिक नेताओं ने इस संबंध में अपनी पॉजिटिव टिप्पणी दी है, और हम लोग लगातार एहतियात बरत रहे हैं, और जहाँ तक कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रश्न है, इसके लिए हम लोगों ने 179 कंपनी पीएसी, 100 कंपनी हमें सीएपीएफ भी मिली हुई है चुनाव के दृष्टिगत, उसका उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी तकनीकी संसाधन हैं, हमारे सीसीटीवी है, हमारे ड्रोन कैमरा हैं, हमारे बायनोकुलर्स हैं, अन्य जो तैयारियां एक संवेदनशील प्रकरण को डील करने की होती है वो चीज़ें हो रही हैं। सेक्टर स्कीम के तहत सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं, अभी तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सशक्त एक टीम है फील्ड में मैजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की, वो इस पूरे प्रकरण को लोगों के साथ मिल बैठ के निपटा लेंगे, और आने वाले समय में यहाँ किसी भी तरह की कानून व्यवस्था उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। ऐसे स्थान जहाँ पहले दिक्कतें हुई थी, या कुछ जो संवेदनशील स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, या कुछ संवेदनशील और इस तरह के उपद्रवी तत्वों की पहचान भी हम लोगों ने की, उन पर लगातार और सतर्क दृष्टि है। हमारी डिप्लॉयमेंट जो फील्ड में है वो उसी के मद्देनज़र है, कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, आम जनता पे र्यूमर फैलाने की कोशिश करेगा, तो हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, तथा साथ ही हमारे मुख्यालय तथा सभी फील्ड लेवल पे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी राउंड द क्लॉक की जा रही है। 24 घंटे हमारे अधिकारी चीज़ों को देख रहे हैं, डीजीपी मुख्यालय स्तर से भी जो कंट्रोल रूम है इसमें एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में चीज़ों को मॉनिटर किया जा रहा है।